नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है फरवरी मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, ये जानिए। शुभ मुहूर्त, तिथि और महत्व क्या है? हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं फरवरी मास का प्रदोष व्रत कब है। हरि प्रेमियों, हर महीने में दो प्रदोष व्रत आते हैं। एक प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में होता है और एक शुक्ल पक्ष में होता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार माघ मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 फरवरी 2024 बुधवार को है। माना भी जाता है कि जो लोग इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत भगवान शिव को अर्पित होता है। इस पवित्र दिन पर भक्त व्रत रखते हैं और माँ पार्वती को भी भगवान शिव के साथ मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व क्या है। हरि प्रेमियों, माघ मास में कृष्ण पक्ष तिथि 7 फरवरी को दोपहर 2:02 पर प्रदोष व्रत शुरू हो जाएगा और अगले दिन 8 फरवरी को सुबह 11:17 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन रात में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा 7 फरवरी को शाम 6:05 से रात 8:41 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान कीजिए और व्रत का संकल्प कर लीजिए। शाम को शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा आरंभ कर दे। दही, घी, शहद, गंगा जल आदि से विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद कनेरा के फूल, सफेद पत्ते और भांग आदि चीजें भगवान शिव को अर्पित करें। आप फिर शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें और फिर आरती करें। अंत में भगवान शिव को भोग लगाइए और सबको प्रसाद बांटिए। प्रदोष व्रत का महत्व है, हर दिन का अलग अलग फल होता है। प्रदोष व्रत व्यक्ति की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को प्रसन्नता, आर्थिक लाभ और सुख की प्राप्ति होती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति, जो भक्त प्रदोष व्रत का पालन करता है उस पर भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहती है। भगवान शिव लोगों की सभी समस्याओं का ध्यान रखते हैं। माना जाता है कि प्रदोष में भगवान शिव प्रसन्न स्वभाव के होते हैं। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने से सब प्रकार की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत के लिए निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सभी रोगों और दोष से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रदोष व्रत करने से दो गायों का दान करने के पुण्य के फल के बराबर फल मिलता है। हरि प्रेमियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा।